हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी हालात। आप लोगों का स्वागत है सुमी हालात यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत अच्छी सी टेस्टी सी कढ़ी की रेसिपी। और ये कढ़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसके आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ कभी भी खा सकते हो। तो चलिए फिर इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। और वैसे तो मैंने कढ़ी कई बार डाल दी है, रसाज वाली कढ़ी है, पकौड़ी वाली, आलू कढ़ी, सिंपल कढ़ी। तो चलिए फिर आज इसको फिर से मैंने बना दी है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले दही ले लेनी है। दही या आप लस्सी भी ले सकते हो। तो दही मैंने 3-4 दिन की खट्टी ली है, क्योंकि खट्टी किसी को दही ज्यादा खट्टी कढ़ी पसंद है, किसी को जिसे ताजा दही होती है उसकी कढ़ी पसंद। तो हम लोग खाते हैं खट्टी दही की कढ़ी। तो मैंने 3 से 4 दिन की दही ले ली है। और खट्टी दही की कढ़ी या फिर लस्सी हो उसकी बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी, खट्टी खट्टी खाने में भी टेस्ट लगती है ये। तो मैंने इधर 3 चम्मच दही ले ली है। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है एकदम, इसको इसकी मैंने लस्सी सी बना ली है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ 3 से 4 चम्मच बेसन। और मैं कढ़ी को बनाती हूँ तब पहले सबसे पहले कढ़ी को अच्छे से पकाती हूँ, उसके बाद में इसको मैं तड़का लगाती हूँ। अभी इसमें डाल देती हूँ मैं हल्दी पाउडर। वैसे तो मैंने 2-3 बार बनाई हुई है कढ़ी, तो बट जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक बार कढ़ी की रेसिपी डाल दोबारा। स्वाद के अनुसार मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं इसमें जीरा पाउडर। अभी हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोबारा से। तो मैंने अच्छे से घोल को फेंट लिया है, देखो कितना पतला कर दिया इसको मैंने। अभी मैं इधर मैंने ले लिया है अपना एक पतीला खाली, इसमें मैं गैस को चला देती हूँ, जिसमें पानी है उसको थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। भी डाल देती हूँ मैं इसमें तेल, थोड़ा सा तेल डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। तेल को गर्म होने के लिए मैं गैस पे छोड़ देती हूँ। फिर इसमें मैं डाल देती हूँ मेथी। ऐसे मैं बनाने वाली नहीं थी कढ़ी, तो फिर ज्यादा ही भाई वे जब कोई बोलता है तो सोचेंगे कि भाई इतनी बात बोलने के बाद भी नहीं बना रही है दीदी, तो मैं इसलिए बना रही हूँ। तो फ्रेंडों ने दो तीन फ्रेंडों के फोन भी आए हुए थे मेरे पास, और एक बगल में भी दीदी है बिहार की, तो उसने भी मेरे को बोला था कि दीदी कढ़ी की रेसिपी डाल दो, इसलिए मैं कढ़ी की दोबारा से आज बना रही हूँ। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें मेथी। मेथी को चटकने देती हूँ। तो मेथी मेरी चटक चुकी है इसमें। अभी मैं इसको ज्यादा नहीं मेथी को पकाऊंगी, नहीं तो फिर जो मेथी ना कड़वी हो जाएगी। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ कढ़ी का घोल, और इसको एक साथ चलाते रहना है। अगर हम इसको एक साथ नहीं चलाएंगे तो इसके फटने के चांस रहेंगे। इसको हमें जब तब तक पकाना है जब तक इसमें एक अच्छे से बुआल नहीं आ जाए। बुआल आने के बाद हम इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे, क्योंकि फिर हमें इसको डर नहीं है कि फट जाएगी जो लस्सी है हमारी। अभी हमें इसको बुआल आने तक पकाते रहना है। और सबका तरीका अलग अलग है बनाने का। तो कढ़ी पे अच्छे से बुआल आ गया है। अभी मैं इसको धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। और इधर मैंने अभी मैं इसमें डाल देती हूँ 3 चम्मच फिर से बेसन, 3 से थोड़ी सी ज्यादा, मतलब 3.5 चम्मच मान लो। और इसमें फिर से मैं वही मसाले डाल दूंगी, थोड़ी सी हल्दी, नमक टेस्ट के अनुसार, क्योंकि हमें कढ़ी में भी नमक डालना है और अभी पकौड़ी में भी फिर तड़का लगाएंगे उसमें भी हमें नमक डालना है, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालना। लाल मिर्च पाउडर, धनिया और सौंफ का पाउडर, अभी हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। अगर देखिए, क्योंकि कोई कोई बोलता है कि हमारी पकौड़ी है वे बहुत टाइट हो जाती है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है, और थोड़ा सा इसमें, जैसे कि हो सकता है तो आप इसमें थोड़ा सा
गरम तेल भी डाल सकते हो, उससे पकौड़ियां बहुत नरम भी बनेगी। तो मैं इसमें तेल नहीं डालूंगी गरम, मैं इसको ऐसे ही अच्छे से फेंट लूंगी। तो इसको अच्छे से फेंटना है, खूब अच्छे से, जैसे हम दही बड़े वाले पकोड़े बनाते हैं ना, वैसे ही इसको फेंटना है। तो इसकी एकदम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़े बनेंगी पकौड़ियां, क्योंकि हम लोग इसको कम फेंटते हैं पकौड़े बनाने के लिए, तो ये टाइट ही बनती है फिर पकौड़ी। तो कढ़ी वाले बर्तन को मैं छोटे गैस पे चढ़ा देती हूँ, वो फिर इस बर्तन इस पे रख देती हूँ मैं चूल्हे पे कढ़ाई, क्योंकि छोटे पे पकती रहेगी ये धीरे धीरे। अभी इधर मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और कढ़ाई में डाल देती हूँ मैं तेल पकौड़ी बनाने के लिए। तेल डाल देती हूँ इसमें मैं पकौड़ी तलने के लिए। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देती हूँ। तब तक मैं पकौड़ी में डाल देती हूँ अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डाल, अगर आपका मन है तो डाल लेना, नहीं तो छोड़ देना। पकौड़ियों के लिए इसका बैटर हो गया तैयार, हमें इसका ऐसे बैटर चाहिए है, तभी हमारी पकौड़ी है जो वे एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, अभी मैं इसमें डाल देती हूँ पकौड़ी। तो पकौड़ियों को मैंने तल लिया है और बिल्कुल नरम बनी है, देखो एकदम सॉफ्ट देखो। तो अभी मैं इस कढ़ाई का जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल देती हूँ, इधर धीरे धीरे मेरी कढ़ी भी पक रही है, तो जो एक्स्ट्रा तेल है उसको मैं निकाल देती हूँ और इसमें मैं फिर लगा देती हूँ तड़का, थोड़ी सी मेथी, क्योंकि तेल तो मेरा पहले से ही गर्म था, लाल मिर्च, प्याज, मैंने एक प्याज कट कर लिया है, प्याज डाल देती हूँ, इसलिए मैंने दो हरी मिर्च कट ली है। प्याज को हल्का ब्राउन होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, तो मैंने एक टमाटर कट किया हुआ है वे डाल दूंगी, तो ब्राउन होने के बाद प्याज ब्राउन हो गया, अभी मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, नमक हम थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि पकौड़ियों में भी नमक था और कढ़ी में भी। सौंफ और धनिया का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और, क्योंकि कड़ी तीखी तीखी अच्छी लगेगी, जीरा पाउडर। टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं। तो दो इधर कड़ी हमारी पक रही है, देखो कढ़ाई कड़ी पे बहुत अच्छी मलाई आ गई है, जिस कड़ी को मलाई आ जाएगी तो सोच लेना कि भी अच्छे से पक चुकी है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ ये कड़ी, पहले थोड़ा डालना तो मुझे अच्छी लग जाएगी, एक चम्मच दो चम्मच डाल देना, इसको अच्छे से चला लेना। गैस को बंद कर देते हैं और जो ये तड़का है हम इस कढ़ी में डाल देंगे। अभी इसमें डाल देंगे पकौड़ी, कसूरी मेथी, आप जितनी भी खट्टी लस्सी दही होगी उसी कढ़ी बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनती है, तो खट्टी दही और लस्सी की आप कढ़ी बनाना। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ पकौड़ी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मिलते हैं आपको एक ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।